नमस्कार, P3 बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की राजनीतिक सुर्खियों के साथ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज INX मीडिया संशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में गंभीर प्रकृति के हैं और अपराध में उनकी सक्रिय एवं प्रमुख भूमिका भी रही है। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा कि अगर मामले में पी चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। उच्च न्यायालय ने पी चिदंबरम को प्रवर्तक निदेशालय ED दोनों के वकीलों की दलील सुनने के बाद जमानत की याचिका 8 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई आज 15 नवंबर को अपने कार्यकाल के अंतिम वर्किंग डे में राजघाट गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वे आज न्याय कक्ष के संख्या 1 में पीठ के अंतिम बार शामिल भी हुए। शीर्ष की अदालत का कक्ष संख्या का प्रधान न्यायाधीश का कक्ष होता है। न्यायमूर्ति गोगोई महज 4 मिनट के लिए इस पीठ में भी बैठे। नदी की धारा और नेता की विचारधारा कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है। एक बार फिर तेज बारिश हो जाए तो झारखंड की सूखी नदियां गरजने लगती हैं। इस तरह चुनाव आ जाए तो नेताओं की विचारधारा और निष्ठा दोनों ही बदलने लगते हैं। इसलिए पाला बदलने में इनका कोई जवाब नहीं है। कुछ को दल बदलने में कुछ साल लग जाते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो महज चंद दिनों में 2-3 पार्टियां घूम लेते, यानी दूसरे शब्द में कहे तो गुलाटी भी मार लेते हैं। आज हम पलामू के ऐसे दल बदलू नेता के बारे में आपको बताएंगे। इन्होंने या तो टिकट पाने के लिए चुनाव के ठीक पहले पाला बदला या चुनाव के बाद मंत्री बनने के लिए गुलाटी मारी। इंदर सिंह नामधारी से लेकर स्वर्गीय विदेश सिंह तक पाला बदलते रहे। शुरू करते हैं डाल्टनगंज के प्रतिष्ठित नेता और झारखंड विधानसभा के स्पीकर रहे इंदर सिंह नामधारी से। वह डाल्टनगंज से 6 बार विधायक चुने गए। झारखंड विधानसभा में स्पीकर रहे। जनसंघ के जमानत से चुनाव लड़ने वाले नामधारी 2 बार मात खाने के बाद 1980 में पहली बार भाजपा के टिकट पे चुनाव जीते। पांकी विधानसभा के बाहुबली विधायक विदेश सिंह ने 3 बार दल बदला। साल 2005, साल 2009 और साल 2014 में लगातार 3 बार विधायक चुने गए। राज्य के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी साल 1995 और साल 2005 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे विश्रामपुर से विधायक चुने गए थे और साल 2014 में वो भाजपा के कमल पे सवार होकर विधानसभा पहुंचे। उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन न लेने के मामले में उत्तर प्रदेश सुनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कानून का राय ले रहा है और उनका कहना है कि वह रविवार को लखनऊ में हो रही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में इस सिलसिले में लिए जाने वाले निर्णय को खास अहमियत देगा। बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने शुक्रवार को कहा कि सुनी वक्फ बोर्ड अयोध्या के जमीन लेने या न लेने के मसले पे मुस्लिम पर्सनल लॉ के निर्णय को ही अहमियत देगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मामले में कोई पक्षकार नहीं था, मगर वह बेशक देश के मुसलमानों की सर्वमान्य संस्था है, लिहाजा इसके निर्णय को अहमियत देना वाजिब है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कोड़ा को याचिका पे सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी अयोग्यता अभी भी बरकरार है। उन्हें किसी भी सूरत में राहत नहीं दी जा सकती है। उनकी सजा भी चल रही है, लिहाजा वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और इस तरह मधु कोड़ा की विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा पे पानी फिर गया है। झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और पार्टी के टिकट पे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से साफ इनकार कर दिया। इसके पहले झारखंड हाई कोर्ट ने हिस्ट्री सिटर से नेता बने झारखंड के पूर्व मंत्री गोपाल दास पातर उर्फ राजा पीटर और पूर्व नक्सली कुंदन पाहन को NIA की विशेष अदालत ने जेल से चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी। झारखंड के 19वें स्थापना दिवस पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत कई तमाम नेताओं ने प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि स्थापना दिवस पे झारखंड की जनता को बधाई और शुभकामनाएं। झारखंड प्रभुत्व प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध संस्कृति वाला राज्य है जिसपे हम सभी को गर्व है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी और कहा कि झारखंड की जनता को राज्य के स्थापना दिवस पे बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि झारखंड प्रगति के नित नई ऊंचाइयों को
प्राप्त करें और भगवान बिरसा मुंडा के समृद्ध, सशक्त और खुशहाल राज्य के सपने को साकार भी करें। अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर राजनीतिक पार्टियों में अभी भी गहमा गहमी जारी है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर अभी भी प्रयास जारी है। सूबे में शिवसेना, कांग्रेस और एसीपी के गठबंधन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब संजय राउत ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा, मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। उनकी चाहत है कि अगले 25 साल तक मुख्यमंत्री के पद पे शिवसेना ही बैठे। शिवसेना नेता रावत ने आगे कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सरकार चलेगी और सूबे के हित को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ेंगे। हम महाराष्ट्र के हितों के लिए काम करते रहेंगे। सभी का साथ और सभी का विकास हमारी प्राथमिकता होगी। शिवसेना जिनके साथ सरकार बनाने जा रहा है, उनको सरकार चलाने की काफी सालों का तजुर्बा है। राफेल मामले में उच्च न्यायालय के द्वारा पुनर्विचार याचिका को खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि शीर्ष अदालत के निर्णय से ही घोटाले की जांच के लिए बड़ी गुंजाइश पैदा हुई है। ऐसे जांच के लिए अब संयुक्त संसदीय समिति का गठन होना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जोसेफ ने जो कहा है उसे राफेल घोटाले की जांच के लिए बड़ी गुंजाइश पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी तरह जांच शुरू होनी चाहिए। इस घोटाले की जांच के लिए जेसीपी गठित की जाए। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को बृहस्पतिवार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिका पे सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पे पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे पीथर न्यूज झारखंड के साथ। धन्यवाद।